अशोकनगर में करीब 10 दिन से किसान खाद के लिए परेशान है। कृषि विभाग एवं प्रशासन खाद की उपलब्धता पर किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। खाद को लेकर रोज सड़कों पर हंगामा हो रहा है। दो दिन पहले कांग्रेस ने खाद की कमी को हथियाने एवं इसे सरकार की विफलता बताने के लिए आंदोलन किए, तो सत्ता पक्ष के एक के बाद एक नेता खाद दिलाने के लिए सामने आए हैं। पहले क्षेत्रीय विधायक जितपाल सिंह जज्जी का वीडियो सामने आया, जिसमें वह कृषि मंत्री कमल पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अधिकारियों से खाद की मांग कर रहे हैं। फिर श्री सिंधिया द्वारा केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मवाड़िया से मंत्री समूह की बैठक में अशोकनगर गुना के लिए खाद उपलब्ध कराने की मांग की खबर आई। इन दोनों नेताओं के प्रयास खाद की किल्लत के बीच खाद उपलब्ध कराने के तौर पर बताए गए। दोनों नेताओं के बाद अब गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह खाद की उपलब्धता के बारे में बताने के साथ साथ कह रहे हैं कि किसी भी तरह की खाद की कोई कमी नहीं है। खाद वितरण के संबंध में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने वीडियो में किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि वह अभी हेल्थ कमेटी की बैठक के सिलसिले में दिल्ली में आए हैं। उनका कहना है कि किसानों को खाद की समस्या आ रही है, उसके लिए वह लगातार अधिकारी प्रशासन स्तर से संपर्क में है। लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला कलेक्टर एवं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल से भी चर्चा होने की बात कह रहे हैं। साथ ही वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मवाड़िया से भी खाद की आपूर्ति को लेकर चर्चा की बात करते वीडियो में दिख रहे हैं। सांसद डॉक्टर यादव का कहना है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो या एनपीके, सभी पर्याप्त मात्रा में है। केवल अचानक बारिश हो जाने के बाद सभी किसानों के साथ द्वारा एक साथ बोरी किए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। एक साथ मांग बढ़ने के कारण सभी क्षेत्रों में खाद पहुंचाया जाना संभव नहीं हो पाया और कुछ तकनीकी समस्या रही। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वह चिंतित ना हो, पर्याप्त भंडारण सरकार के पास है। सांसद ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही खाद की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी। मैं अभी हेल्थ कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली आया हूँ। भाइयों, जो किसानों को समस्या आ रही है खाद की आपूर्ति के लिए, समस्या जो आ रही है, जो डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं लगातार सरकार से और हमारे अधिकारियों के संपर्क में हूं। मेरी हमारे लोकसभा क्षेत्र के तीनों कलेक्टरों से रेगुलर बात हो रही है। मेरी जो है प्रदेश में हमारे कृषि मंत्री जी से भी बात हुई, माननीय शिवराज सिंह जी के यहाँ भी बात हुई, और केंद्र में भी मैंने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ भी बात की है, माननीय मनसुख मांडविया जी के यहाँ भी बात की है। मैं स्वयं मंत्रालय जाकर, जो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं नीरजा मैडम जो फर्टिलाइजर की कमिश्नर हैं, उनसे भी मैंने बात की है। तो भाइयों, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, चाहे यूरिया हो, चाहे एनपीके हो, चाहे डीएपी हो। सिर्फ जो है अचानक बारिश होने की वजह से जो हमें खाद भेजनी रहती है क्षेत्र में, उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक आने के कारण अचानक बारिश हुई तो डिमांड सारे क्षेत्रों से एक साथ बढ़ गई, इस वजह से खाद पहुंच नहीं पाया समय पे, इसलिए कुछ दिक्कत आई है। पर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी इस कमी को दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में खाद पहुंचाई जाएगी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि धैर्य रखें, चिंतित ना हो, बहुत जल्द खाद की आपूर्ति कर दी जाएगी, खाद का पर्याप्त भंडारण, खाद पहुंच नहीं पाया समय पे, इसलिए कुछ दिक्कत आई है। पर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी इस कमी को दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में खाद पहुंचाई जाएगी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि धैर्य रखें, चिंतित ना हो, बहुत जल्द खाद की आपूर्ति कर दी जाएगी, खाद का पर्याप्त भंडारण है और निश्चित ही जल्द से जल्द खाद सभी क्षेत्रों तक पहुंचा दी जाएगी।